ओके स्टोरेज, चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं अभी, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास बोला क्या कि बॉय सिटिंग ऑन ए स्विंग एट ए मैक्सिमम हाइट ऑफ 5 मीटर्स, मतलब ये बंदा है, ये बॉय है, और ज़मीन से कितने हाइट पे, 5 मीटर्स के हाइट पे है ना। व्हेन द स्विंग पासेस थ्रू द मेन पोजिशन, मतलब ये स्विंग को अगर यहाँ से हम रिलीज करते हैं तो नीचे आएगा, स्विंग मतलब झूला, तो झूला जब नीचे आएगा, जब ये लोएस्ट पॉइंट में रहेगा, इसको मेन पोजिशन कहते हैं, तब ऐसे सिचुएशन में ये जो लड़का है वो ज़मीन से कितने हाइट पे है, 2 मीटर के हाइट पे है, ठीक है, ये दिया हुआ है, फाइन। अभी बोला है कि इस सिचुएशन में व्हेन द बॉय इज अबव द ग्राउंड उसका वेलोसिटी अप्रॉक्सीमेटली कितना है वो पूछा गया है, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को हम बहुत बढ़िया से वर्क एनर्जी थ्योरम या वर्क पावर एनर्जी के कंसेप्ट को यूज़ करके हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हम कर ही सकते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि तुम एक बार इस सिचुएशन को देखो और ये सोचो कि हमारे सिस्टम में कैसे फोर्सेस लग रहे हैं, व्हाट आर द काइंड ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम। सो सबसे पहले इस पर क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा, है ना, और दूसरा क्या लग रहा है इस पर, एक टेंशन टी लग रहा है, यस और नो पीपल, एक टेंशन टी लग रहा होगा, है ना, और वो कुछ ऐसा मूव करके यहाँ तक पहुँच रहा है। तो मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पर टेंशन का वर्क डन अगर हम देखें तो टेंशन का वर्क डन 0 आएगा, बिकॉज यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो है वो टेंशन के हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, कहीं पर भी हो टेंशन विल ऑलवेज बी अलोंग द रेडियस ऑफ द सर्कल, और डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो हमेशा टेंजेंशियल होगा। तो टेंशन एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा, और मैंने सिखाया है कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री होता है तो उसका वर्क डन हमेशा 0 होता है, ठीक। तो इस सिस्टम पे वर्क करने वाला फोर्स सिर्फ एक ही है, दैट इज mg, एंड भूलो मत mg क्या है, mg इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, कम ऑन पीपल, mg क्या है, mg इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। और अगर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रहा है तो मैं इस कह सकता हूँ कि सिस्टम का जो मैकेनिकल एनर्जी वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। सर मैकेनिकल एनर्जी क्या है, इट इज़ द समेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, मतलब इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का जो भी वैल्यू निकलेगा वो हमेशा सेम रहेगा। दैट मीन्स मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैकेनिकल एनर्जी एट पोजिशन ए विल बी इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट पोजिशन बी, राइट। नाउ बात को समझना कि ए से इसको रिलीज़ किया गया था तो यहाँ पर उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना था, 0 था, एंड एट से जब वो बी पोजिशन को क्रॉस कर रहा है उस वक्त उसका स्पीड कितना है, वी है। सो इफ आई टॉक अबाउट मैकेनिकल एनर्जी एट ए, तो मैं अगर यू नो काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहूँगा तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू हम 0 लिख देंगे, क्योंकि ए वाले पोजीशन पे इसके पास कोई स्पीड है ही नहीं, लेकिन ए वाले पोजीशन पे इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगा अगर हम ज़मीन को रेफरेंस मानते हैं। लेट अस से हमने ज़मीन को रेफरेंस माना और मैंने कहा कि इस लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इस लेवल पे हमने पोटेंशियल एनर्जी, ये यू क्या है, दिस इज़ पोटेंशियल एनर्जी, इसको हमने 0 माना है ना। तो एट दिस पॉइंट ज़मीन से वो 5 मीटर्स ऊपर है या h1 हाइट ऊपर है, तो इसके पास कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा, मैंने फॉर्मूला सिखाया था, व्हाट वाज द फॉर्मूला, mgh1, है ना, दिस इज द मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए। नेक्स्ट व्हाट इज द मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी, बी में मैकेनिकल एनर्जी देखते हैं, जब ये यहाँ पहुँच जाएगा तो देखो इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, कितना काइनेटिक एनर्जी है, 1/2 mv² प्लस इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है, क्योंकि वो ज़मीन से कितना हाइट ऊपर है, h2 हाइट ऊपर है, तो वो कितना होगा, प्लस mgh2। और यहाँ पर एज बिकॉज देर आर ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेज एक्टिंग ऑन द सिस्टम, तो हम कह सकते हैं कि चाहे वो लोकेशन ए हो चाहे वो लोकेशन बी हो, दोनों सिचुएशंस में टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमेशा सेम रहेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैकेनिकल एनर्जी एट ए दैट इज mgh1, इसको हम किसके साथ इक्वेट करेंगे, बी वाले मैकेनिकल एनर्जी के साथ इक्वेट करेंगे, वो कितना होगा, 1/2 mv² प्लस mgh2, है ना। तो एम 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 गेट्स कैंसल हियर, हमको यहाँ पर वी का वैल्यू चाहिए, इस वी का वैल्यू चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखना, मैंने जी ले लिया, यहाँ पर h1 - h2 इसको उस तरफ लेके चला गया, और यहाँ पर एक 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसके ऊपर एक रूट ओवर आ जाएगा, है ना, सही किया है ना, gh2, जी का कॉमन ले लिया, h1 - h2 और 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया और रूट ओवर आ गया। तो ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन जहाँ से हम वी का वैल्यू निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यूज पुट कर दें, 2 g, जी की जगह फॉर एग्जाम्पल हमने 9.8 पुट कर दिया, और h1 - h2 कितना होगा, 5 - 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे इसका आंसर कुछ 7.6 जैसा मीटर पर सेकंड आएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम। यहाँ पर देखो हमेशा इस बात को समझना कि क्वेश्चन को जब हमने अप्रोच किया था, अपने आप को पूछो कि इस बॉब पे या इस लड़के पे कौन सा फोर्सेस लग रहा है,
तो तुमको देखेगा कि एमजी लग रहा है, टेंशन लग रहा है, टेंशन वर्क कर नहीं रहा, सिर्फ एमजी वर्क कर रहा है। तो अपने आप तुमको ये समझ में आ जाएगा कि इस सिस्टम का मैकेनिकल एनर्जी हम कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके फाइन। तो इसको इसका स्क्रीनशॉट लो, इसका नोट बनाओ, आगे बढ़ते हैं। चलो ओके फाइन, अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, देखो क्या है, एक ब्लॉक ऑफ मास एम स्लाइड्स डाउन अलोंग द साइड्स ऑफ ए बाउल। देखिए एम मास है, बाउल के साइड में ऐसे स्लाइड डाउन कर रहे हैं, है ना। एज शोन इन द फिगर द वॉल्स ऑफ द बाउल आर फ्रिक्शनलेस, मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं है बाउल का, जो वॉल्स है, वॉल्स मतलब ये वाला, इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है ना। एंड द बेस हैज़ ए कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2, लेकिन बेस में फ्रिक्शन है और इसका कोफिशियंट का वैल्यू 0.2 दिया हुआ है। इफ द ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ द साइट, मतलब साइट के टॉप से अगर इस ब्लॉक को रिलीज किया गया है विच इज 1.5 मीटर हाई, वेयर विल द ब्लॉक कम टू रेस्ट। बात को समझना, इस ब्लॉक को अगर हम यहाँ से रिलीज करेंगे तो ये नीचे उतरेगा, नीचे जाके आगे ट्रैवल करते करते फाइनली रुकेगा, तो फाइनली बॉटम में वो कितना डिस्टेंस आगे जाके रुकेगा यही हमको बताना है। बेस लेंथ कितना दिया हुआ है, 15 मीटर का बाउल का बेस दिया हुआ है। ठीक है, अभी लॉजिकली सोचो, थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। देखो अगर मैं ज़मीन को अपना रेफरेंस मानता हूँ और कहता हूँ कि ज़मीन का पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है, तो देखो यहाँ पर इस लेवल पे इस ब्लॉक के पास पोटेंशियल एनर्जी होगा विच विल बी गिवन बाय द फार्मूला एम जी एच, एच मतलब एक्चुअली 1.5 है इन दिस केस, है ना। अभी जब ये ब्लॉक नीचे उतरेगा, जनता ये बताओ, व्हेन इट कम्स डाउन, एक बात बताओ कि ब्लॉक पे कौन काम कर रहा है, द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक विल बी एम जी, इज दैट क्लियर। सॉरी 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 सॉरी, द फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक विल बी एम जी एंड नॉर्मल, ये जो बाउल का साइड है ये इस ब्लॉक पे नॉर्मल भी लगाएगा, लेकिन द ओनली फोर्स विच कैन डू वर्क इज एम जी, नॉर्मल काम नहीं कर पाएगा। फॉर द सेम रीजन, जब ये ब्लॉक उतरेगा इस पर जो नॉर्मल लग रहा है, द नॉर्मल विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, तो ब्लॉक पे काम नहीं कर पाएगा, सिर्फ एम जी काम करेगा। दैट मीन्स इन दिस केस ओनली कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रहा है, और कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट करने से तुम्हारा टोटल मैकेनिकल एनर्जी तो सेम रहता है बट एनर्जी ट्रांसफर होता है फ्रॉम पोटेंशियल टू काइनेटिक और काइनेटिक टू पोटेंशियल डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंसेस। इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि जब ये ब्लॉक नीचे उतरेगा उसका पोटेंशियल एनर्जी घटेगा लेकिन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा, है ना। जब ये ब्लॉक फाइनली यहाँ आके पहुँचेगा और इसके पास जितना भी काइनेटिक एनर्जी होगा, ये काइनेटिक एनर्जी आया कहाँ से, ये जो पोटेंशियल एनर्जी तुमको दिख रहा है वही सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो हम ये लिख सकते हैं जनता कि पोटेंशियल एनर्जी ध्यान से सुनना, पोटेंशियल एनर्जी एट स्टार्टिंग पोजीशन, जब ये ब्लॉक जहाँ से स्टार्ट करता है एट स्टार्टिंग पोजीशन, बराबर हम क्या लिख सकते हैं, इट इज द काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट पी, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट पी, है ना। सारा पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, और उसके बाद क्या होगा, देखो इसके पास काइनेटिक एनर्जी तो है लेकिन जब ये आगे मूव करना चालू करेगा, ध्यान देना जनता, अभी लेकिन वो बाउल के बॉटम में मूव कर रहा है और इस पर फ्रिक्शन लगेगा इस तरफ, और फ्रिक्शन जो है वो एक ड्रैग फोर्स है, वो एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, तो इस ब्लॉक से क्या करेगा, नेगेटिव वर्क करेगा, ब्लॉक से काइनेटिक एनर्जी को निकाल देगा, क्योंकि अगर ये फ्रिक्शन इस ब्लॉक में नेगेटिव वर्क करता है, हमने सीखा है नेगेटिव वर्क करने से बॉडी से एनर्जी निकाला जाता है, तो काइनेटिक एनर्जी को निकाला जाएगा एंड फाइनली ये फ्रिक्शन वर्क करते 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 इस ब्लॉक का सारा काइनेटिक एनर्जी ये निकाल लेगा और ये फाइनली रुक जाएगा, है ना। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस ब्लॉक के पास जितना काइनेटिक एनर्जी है सारा काइनेटिक एनर्जी फ्रिक्शन ने वर्क डन करके निकाल लिया, तो मैं यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी को किसके बराबर लिख सकता हूँ, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन दिस केस। बोलो ये समझ में आया, एनर्जी ट्रांसफर कैसे हुआ है, सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी था जो कि काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, और जो काइनेटिक एनर्जी था उसने उसको फ्रिक्शन ने नेगेटिव वर्क करके निकाल दिया, है ना। तो अभी मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी है वही वर्क डन बाय फ्रिक्शन के बराबर होगा, राइट। यहाँ से हम ये कह सकते हैं, सो इन दिस केस पीपल हम क्या लिखने वाले हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज एक्चुअली टेकन आउट बाई द ब्लॉक, सॉरी टेकन आउट बाई फ्रिक्शन फ्रॉम द ब्लॉक, बिकॉज वही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो ऐसे करके लिख सकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी जनता कितना है, ध्यान से देखना, कैपिटल एम लिखता हूँ, ओके कैपिटल एम में लिखा है, चलो कैपिटल एम से लिखते हैं एम जी एच, एंड फ्रिक्शन का वर्कडन कितना होगा जनता, फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, भूलो मत म्यू इंटू नॉर्मल होता है, और यहाँ पर जो हमारा नॉर्मल लग रहा होगा वो किसको बैलेंस कर रहा होगा, कैपिटल एम जी को, है ना। तो कैपिटल एम जी को बैलेंस कर रहा है, ध्यान देना ये कौन सा फ्रिक्शन है, ये काइनेटिक फ्रिक्शन है, और काइनेटिक फ्रिक्शन के केस में ध्यान देना हम फ्रिक्शन का वैल्यू क्या लिखते हैं, म्यू
इंटू एन लिख दिया, और डिस्प्लेसमेंट मैंने एस लिख दिया, है ना, एस इज़ द डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर एम एम कैंसल आउट हो गया, जी जी कैंसल आउट हो गया, तो यहाँ पर अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट एस, मतलब कितना दूर जाके ये फाइनली रुकेगा, मैंने माना कि एस डिस्टेंस फाइनली जाके रुकेगा, एस का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, एच तो यहाँ पर है और इस तरफ क्या चला जाएगा, एच बाई म्यू चला जाएगा, है ना। एच का वैल्यू कितना है, दैट इज़ 1.5 मीटर्स, और म्यू का वैल्यू हमने 0.2 लिख के रखा है, तो आंसर कितना आ जाएगा इन दिस केस, आंसर इन दिस केस विल कम आउट टू बी 7.5 मीटर्स। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुली तुमको ये समझ में आएगा कि एनर्जी ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है फ्रॉम पोटेंशियल टू काइनेटिक, एंड देन दैट काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी बाय द नेगेटिव वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स, चलो अभी हम ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, और इस कंसेप्ट को सीखना इतना ज़रूरी है क्योंकि आगे जाके बहुत सारे क्वेश्चंस में ना हमको इसको अप्लाई करना पड़ता है। तो एक बार ये देखते हैं क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन है कि हमारे पास एक स्प्रिंग है, ये अपने नेचुरल लेंथ में है, अनस्ट्रेच्ड है, और इसके एक एंड में ब्लॉक अटैच्ड है। ऐसा इमेजिन करो कि तुमने अभी इस ब्लॉक को पकड़ के रखा है, यू आर होल्डिंग दिस ब्लॉक, और ये स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे है, इसका मास एम है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है। फिर तुमको क्वेश्चन ने बोला कि भाई देखो तुमको ना इस ब्लॉक को रिलीज़ करना है, तो अगर तुमने इस ब्लॉक को रिलीज़ किया, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये ब्लॉक नीचे जाएगा फिर ऊपर आएगा फिर नीचे जाएगा फिर ऊपर आएगा, ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा। आई होप सो, ये इमेजिनेशन तो सबका हो रहा होगा कि अगर ये ब्लॉक को मैं रिलीज़ कर दूँ, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ये क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा, ठीक है। तो तुमको ये पूछा है, द मास इज रिलीज्ड विद द स्प्रिंग इनिशियली अनस्ट्रेस्ड, देन द मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, मतलब ये ब्लॉक कितना मैक्सिमम नीचे जाएगा, ये अगर निकाल सकते हो तुम डायरेक्टली बता पाओगे कि स्प्रिंग कितना एक्सटेंड हुआ मैक्सिमम, बिकॉज ऑब्वियस है ब्लॉक नीचे जितना नीचे जाएगा स्प्रिंग एस, बिकॉज ब्लॉक के साथ अटैच्ड है, ब्लॉक जितना नीचे जाएगा स्प्रिंग भी उतना ही एक्सटेंड होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम करें कैसे, देखो वर्क एनर्जी थ्योरम से कर सकते हो, बट मैं चाहूँगा कि इस क्वेश्चन को हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से करें। मैंने ऐसा क्यों कहा, एक बार ये सोच के देखो कि जब ये ब्लॉक मूव करता है इसमें क्या क्या फोर्सेस लगते हैं। मैं एक बार फोर्सेस तुम्हारे साथ डिस्कस कर दूंगा, एक तो हो गया mg, दूसरा क्या हो गया kx, है ना, mg और kx, एंड दोनों mg एंड kx, kx हो गया स्प्रिंग का फोर्स, mg हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स, बोथ ऑफ देम जनता, बोथ ऑफ देम आर व्हाट, बोथ ऑफ देम आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। अगर ये लोग कंजर्वेटिव फोर्सेस है, सो हम यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, करेक्ट। तो अगर मैंने ब्लॉक को जस्ट रिलीज़ किया तो इसके इनिशियल वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, जीरो। एंड लेट अस से ये वाले पिक्चर में ये ब्लॉक जो है यहाँ पर आके फाइनली ब्लॉक रुकता है, इस लोकेशन में ब्लॉक फाइनली रुकता है, सो इस सिचुएशन में हमारा स्प्रिंग का एक्सटेंशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा, यस और नो। तो अगर हमारे स्प्रिंग का एक्सटेंशन मैक्सिमम है और यहाँ पर यह टेम्पोरली मोमेंटरीली रुकता है, तो इसका वेलोसिटी हम यहाँ पर जीरो लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ इनिशियल पोजीशन, दिस इज द इनिशियल पोजीशन, है ना, एंड दिस इज द फाइनल पोजीशन। इन दोनों पोजीशन में अगर मैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करूंगा, सर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन क्या है, हम क्या करते हैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन में कि इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू व्हाट, फाइनल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ये काम करते हैं, है ना। तो क्यों कंजर्व कर सकते हैं, क्यों इक्वल कर सकते हैं, ये तो तुमको समझ में आ चुका है, बिकॉज ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेज आर एक्टिंग। सो अगर मैं मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल का एक्सप्रेशन लिखना चाहूँ, तो सबसे पहले ये समझ लो यार ग्रेविटेशनल फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आएगा, स्प्रिंग फोर्स के लिए स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी आएगा, दैट मीन्स इन दिस केस वी आर गोइंग टू डील विथ टू काइंड्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड और क्या होगा काइनेटिक एनर्जी, है ना। एक बार वैल्यूज देख लेते हैं। देखो अगर तुमको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करना है, तो सबसे पहले तुमको जनता रेफरेंस लेवल डिसाइड करना पड़ेगा। तो मैंने ये जो लोएस्ट लेवल है, जिस लेवल पे ब्लॉक फाइनली आके रुकता है, इस लेवल को अपना रेफरेंस मान लेता हूँ, ठीक है ना। लोएस्ट लेवल को अगर अपना रेफरेंस मान लेता हूँ, ये कह देता हूँ कि इस लेवल पे हमारा पोटेंशियल एनर्जी हम क्या मानेंगे, जीरो मानेंगे, सॉरी यार यू डॉट ई लिख दिया, पी डॉट ई लिखता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी, इस लेवल पे हम अपना पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानेंगे। तो ध्यान देना, ये ब्लॉक जो है अभी, दिस ब्लॉक नाउ इज एट अ हाइट ऑफ, लेट अस से मैंने कितना हाइट मान लिया, एच, ध्यान से सुनना, लेकिन ये जो एच हाइट है, दिस इज आल्सो द मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग जनता। देखो ध्यान से, ये जो था ये इसका इनिशियल पोजिशन था, ब्लॉक फाइनली यहाँ जाके रुकते हैं, और ये लेवल और ये लेवल के बीच का जो ये डिस्टेंस है, एच, दिस इज द मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग ऑल्सो,
राइट. सो इन दिस सिनेरियो अगर मैंने इसको अपना रेफरेंस लेवल माना, एम ब्लॉक का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, पॉजिटिव में लिखेंगे बिकॉज रेफरेंस लेवल से हम ऊपर मेजर कर रहे हैं, और इसका वैल्यू हम क्या लिख देंगे जनता, दैट इज एम जी एच, बोलो समझ में है. प्लस अभी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी अगर हम लिखना चाहें, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी याद रखना, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर होता है. स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी वेर एक्स इज द चेंज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग. कम ऑन वन मोर टाइम पीपल, वेर एक्स इज द चेंज इन द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग. नाउ इनिशियली स्प्रिंग तो अपने नेचुरल लेंथ में है. इन दिस केस इट मीन्स दैट स्प्रिंग के पास कोई स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, तो हम जीरो लिख देंगे. क्या इस ब्लॉक के पास कोई काइनेटिक एनर्जी है, ये भी नहीं है बिकॉज इसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो हमने यहाँ पर जीरो लिख दिया. सो इट्स मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल, दैट इज एम जी एच, है ना. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फाइनल पोजीशन, लेट अस टॉक अबाउट मैकेनिकल एनर्जी फाइनल. बात को समझना, अभी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डेफिनेटली जीरो बिकॉज ये ब्लॉक जो है ये अपने रेफरेंस लेवल में पहुंच चुका है. क्या स्प्रिंग के पास अभी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होगा, डेफिनेटली होगा, स्प्रिंग एक्सटेंड हो चुका है, एच लेंथ एक्सटेंड हुआ है, तो स्प्रिंग का जो पोटेंशियल एनर्जी हम क्या लिखेंगे, दैट इज हाफ के एक्सटेंशन, कितना जानता है यहाँ पर एच, एच इज द एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग इन दिस केस, राइट. यहाँ से लेके जनता यहाँ तक ये जो है लेंथ दिख रहा है, दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग, और उसका लेंथ होगा एच, दैट इज हाफ के एच स्क्वायर. क्या इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी भी नहीं है, वो हमने जीरो के साथ इक्वेट कर दिया, है ना. अभी अगर मैं मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल को मैकेनिकल एनर्जी फाइनल के साथ इक्वेट करता हूँ, ध्यान से देखना, इनिशियल में सिर्फ एम जी एच होगा, है ना, और मैकेनिकल एनर्जी फाइनल में क्या हो जाएगा, के एच स्क्वायर बाई टू. तो एच एच स्क्वायर चला गया, यहाँ से हम एच का वैल्यू क्या मिलते हैं, दैट इज टू एम जी बाई के. ये क्या निकला, दिस इज द मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग इन दिस केस. अगर तुम ब्लॉक को रिलीज करोगे, ये मैक्सिमम कितना नीचे तक जाएगा, ट्वाइस एम जी बाई के तक मैक्सिमम नीचे जाएगा. आई होप सो तुमको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया. बहुत ही बढ़िया तरीके से मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन यूज़ करके हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है. लेकिन इसमें मुझे एक छोटा सा डिस्कशन करना है, कुछ अंदर की बातें जो मैं तुमको बताना चाहता हूँ, जो समझना बहुत ज़रूरी है, जिसमें तुमको फील आएगा इसको देख के, ठीक है. एक बार उसको लेके थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ओके ओके पीपल. तो मैं तुमको इस मोशन के डायनेमिक्स के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा, ठीक है. क्या है, देखो कहानी यह है कि अगर इस इनिशियल पोजिशन में, एक मिनट, इस इनिशियल पोजीशन में अगर मैंने पूछा कि क्या फोर्स लग रहा है, तुम्हारा जवाब आएगा सिर्फ एम जी. क्यों एम जी, बिकॉज इस इनिशियल पोजीशन में स्प्रिंग अभी भी अपने नेचुरल लेंथ में है, तो ब्लॉक में भी कोई फोर्स नहीं लग रहा, ठीक. मैं एक बात बताऊँ, जब हम इस ब्लॉक को रिलीज़ करेंगे, व्हेन इट विल स्टार्ट गोइंग डाउन, जब ये ब्लॉक नीचे जाना चालू करेगा, साइमल्टेनियसली स्प्रिंग भी खिंचना चालू होगा, इसका लेंथ में इंक्रीमेंट आना चालू होगा. तो जैसे जैसे ये ब्लॉक नीचे जाएगा, जैसे जैसे स्प्रिंग में एक्सटेंशन आएगा, स्प्रिंग इस ब्लॉक पे भी फोर्स लगाना चालू करेगा. यस और नो पीपल, यस और नो. कुछ ऐसा केस होगा कि लेट अस से इसको मिटा देता हूँ, छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ. लेट अस से जब ब्लॉक यहाँ पर आएगा, समर हियर एम मास, तो इसमें नीचे क्या लग रहा है, एम जी, और स्प्रिंग में थोड़ा सा एक्सटेंशन आया है, उसको हमने के एक्स लिख दी, है ना, समर हियर. देखो जनता इस बात को समझना, देखो एम जी का वैल्यू वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, बट के एक्स का वैल्यू इन दिस सिचुएशन, वो जैसे जैसे ब्लॉक नीचे जाएगा, उसका वैल्यू जो है वो इंक्रीज करेगा, बिकॉज फोर्स का वैल्यू, स्प्रिंग का फोर्स का वैल्यू एक्स पे डिपेंड करता है. एक्स इज चेंज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग. तो जैसे जैसे ये ब्लॉक नीचे जाएगा, स्प्रिंग के लेंथ में इंक्रीमेंट आएगा, तो के एक्स का वैल्यू इंक्रीज करता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा. याद रखना, इनिशियली क्या था, इनिशियली सिर्फ एम जी था, के एक्स धीरे धीरे ग्रो करता है. जैसे जैसे ये ब्लॉक जाएगा नीचे, एम जी तो वही रहेगा, लेकिन के एक्स का वैल्यू ग्रो करता जाएगा. और मैं ये कहना चाहता हूँ, ऐसा एक वक्त आएगा जब के एक्स का वैल्यू बढ़ के ऐसे एक वैल्यू तक पहुँचेगा जो कि एम जी के बराबर होगा. मतलब के एक्स का वैल्यू बढ़ते बढ़ते एक वक्त आएगा जब के एक्स एम जी का बराबरी कर देगा. मैंने वो पिक्चर यहाँ पर बनाया. और इस पोजिशन को जनता हम क्या बुलाते हैं, इस पोजिशन को हम मेन पोजिशन या इक्विलिब्रियम पोजिशन भी बुलाते हैं. ये चीज़ जो है मैंने तुमको एनएलएम में भी पढ़ाया था. इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब है कि किसी भी सिस्टम पे नेट फोर्स क्या हो जाता है, नेट फोर्स जीरो हो जाता है.
और मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि ये वो सिचुएशन है जब के एक्स किसका बराबरी कर देता, के एक्स एम जी का बराबरी कर देता, ध्यान से सुनना। और अगर के एक्स ने एम जी का बराबरी कर दिया तो इस ब्लॉक पे जो नेट फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है, इस ब्लॉक पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये हो गया मीन और ये हो गया इक्विलिब्रियम पोजीशन। एम आई क्लियर? नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। फिर से जनता, नेट फोर्स जीरो होने का मतलब है उस लोकेशन पे हम कहेंगे इस ब्लॉक पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, उस पोजीशन को मीन पोजीशन बुलाएंगे या इक्विलिब्रियम पोजीशन बुलाएंगे। ठीक है, तो एक बात बताओ, अगर तुमको किसी ने पूछा कि ये बताओ भाई, जब इस ब्लॉक पे नेट फोर्स जीरो होता है तब तक कितना स्प्रिंग एक्सटेंड हो गया, तो कैन आई से तब तक स्प्रिंग का जो एक्सटेंशन होगा वो कुछ यहाँ से यहाँ तक हुआ होगा। दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग। ये एक्स अगर है, दिस विल बी एक्स, है ना। तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो एक्स का वैल्यू हम यहाँ से लिख सकते हैं। देखो एक्स का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, एम जी बाई के। ठीक है, एक्स का वैल्यू क्या होगा, एम जी बाई के। दैट मीन्स व्हेन द ब्लॉक रीचेस इक्विलिब्रियम पोजिशन। क्या बोला मैंने जनता, व्हेन द ब्लॉक रीजेस इक्विलिब्रियम पोजीशन, तब तक स्प्रिंग में कितना एक्सटेंशन आ चुका है, एम जी बाई के का एक्सटेंशन आ चुका है। इज दैट क्लियर, समझ में आया। और बहुत लोगों को मैंने, बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है ये मिसकंसेप्ट पालते हुए देखा है कि वो लोग ऐसा सोचते हैं कि अरे यार इस ब्लॉक पे तो नेटवर्क जीरो हो गया तो ये रुक जाएगा। भाई नहीं रुकेगा, किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स जीरो हो जाना फॉर एन इंस्टेंट डज नॉट मीन कि वो रुक जाएगा, वो रुकेगा ये नहीं। ये अगर पता करना है तो उस ब्लॉक के वेलोसिटी के बारे में सोचो कि क्या इस पोजीशन पे इस ब्लॉक के पास कुछ वेलोसिटी होगा, उसके बारे में सोचो। वेलोसिटी बताएगा कि ब्लॉक रेस्ट में है या ब्लॉक मूव करेगा, नॉट द फोर्स। कम ऑन पीपल, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। तो जनता इस बात को समझना, जब ब्लॉक यहाँ से अपना मोशन चालू करता है, करते करते नीचे उतरते 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 जब मेन पोजिशन तक पहुँचता है, इस पूरे मोशन में, मैं इस जगह को थोड़ा सा मिटा देता हूँ नहीं तो क्लमजी हो जाएगा, यस, इस पूरे मोशन में जनता यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्या मैं ये कह सकता हूँ इस पूरे मोशन में एम जी वॉज ऑलवेज मोर देन के एक्स? इस पूरे मोशन में, कौन से मोशन में, चलो मैं नाम देता हूँ, लेट अस से ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक ये ब्लॉक का जो मोशन हुआ है फ्रॉम ए टू बी, एम जी वॉज ऑलवेज मोर देन के एक्स। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एक बात बताऊँ कि के एक्स ने एम जी का बराबरी किया कब, जब वो लोकेशन बी में पहुंचा। बात को समझो, जब बी के पहले, जब ये ब्लॉक ए से बी की तरफ आ रहा था तब तो के एक्स धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा था, एम जी बढ़ा था और के एक्स धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा था, और बी में पहुंचने के बाद के एक्स का वैल्यू ने एम जी को बैलेंस किया। मैंने पूछा उसके पहले क्या हुआ था, उसके पहले के एक्स एम जी से छोटा था, एट लेवल बी ही के एक्स ने एम जी का बराबरी किया। तो बात को समझो, एम जी लग रहा है नीचे की तरफ, के एक्स लग रहा है ऊपर की तरफ, एम जी बड़ा है के एक्स छोटा है। दैट मीन्स ऑल थ्रू आउट द टाइम जब वो ए टू बी मूव कर रहा था, जब ये ब्लॉक ए टू बी मूव कर रहा था, जनता ध्यान से सुनना, आई विल से दैट द ब्लॉक इज एक्सीलरेटिंग। एक्सीलरेटिंग का मतलब क्या है, इस पूरे प्रोसेस में इस ब्लॉक का जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर रहा होगा, क्योंकि अगर मैं एक्सीलरेशन देखूँ वो क्या होगा, एम जी माइनस के एक्स बाई एम, और एम जी का वैल्यू व्हेन द ब्लॉक इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी वॉज ऑलवेज मोर देन के एक्स। द ब्लॉक एक्सेलरेट कर रहा था। एक्सेलरेट करने का मतलब है कि जब ब्लॉक ए लेवल से एक्सेलरेट करते 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 बी लेवल तक पहुंचेगा, इस पूरे प्रोसेस में उसका वेलोसिटी जीरो, उसके बाद 10 मीटर पर सेकेंड, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, ऐसे करते करते लेटर से इस लेवल तक कहाँ तक पहुँचा होगा, 50 मीटर पर सेकेंड तक पहुँचा होगा। समझ में, वेलोसिटी क्या करता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा, बिकॉज इस पूरे प्रोसेस में एम जी का वैल्यू हमेशा के एक्स से बड़ा था। दैट मीन्स नेट फोर्स नीचे की तरफ होगा, एक्सीलरेशन नीचे की तरफ आएगा, और एक्सीलरेशन आने से जिस तरफ एक्सीलरेशन होता है उस तरफ वेलोसिटी इंक्रीज करता है। तो ए टू बी जाने में ब्लॉक का वेलोसिटी हमेशा इंक्रीज करता जाएगा। बट व्हाट विल हैपन आफ्टर दैट, व्हेन द ब्लॉक विल मूव फ्रॉम लोकेशन बी टू लोकेशन सी। देखो लोकेशन बी में के एक्स ने एम जी का बराबरी कर दिया था, लेकिन एज द ब्लॉक गोज डाउन फर्दर, जब बी से सी की तरफ ये मूव करेगा, जनता ध्यान से सुनना, अगर मैं ब्लॉक एबीडी बनाता हूँ, ध्यान देना, ऊपर क्या लग रहा होगा, के एक्स नया एक्स ए के एक्स डैश दे दिया, नीचे क्या लग रहा है, एम जी। मैंने बताया था कि एम जी का वैल्यू जो है वो बदलता नहीं है, वो कॉन्स्टेंट है, लेकिन के एक्स का वैल्यू एक्स के साथ बढ़ता जाएगा। तो ये ब्लॉक जनता बी के बाद अगर और नीचे जाएगा तो स्प्रिंग और एक्सटेंड होगा,
कम ऑन पीपल, बी के बाद ये ब्लॉक अगर और नीचे जाएगा तो ये स्प्रिंग और एक्सटेंड होगा, और एक्सटेंड होने का मतलब है कि अभी के एक्स डैश का वैल्यू एम जी से क्या होगा, बड़ा होगा। दैट मीन्स फॉर दिस मोशन के एक्स का वैल्यू एक्स डैश लिख देता हूँ इज ऑलवेज मोर देन एम जी। मतलब फ्रॉम बी टू सी जनता, वेन द ब्लॉक मूव फ्रॉम बी टू सी द ब्लॉक विल बी रिटार्डिंग। बिकॉज ध्यान से देखो, ब्लॉक का वेलोसिटी जो है वो अभी डिक्रीज करना चालू करेगा। ऐसा क्यों कहा? बिकॉज मीन पोजीशन तक वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा था। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि मीन पोजीशन में वेलोसिटी मैक्सिमम होता है क्योंकि एक्सेलरेट कर रहा था। उसके बाद जब ये ब्लॉक मीन पोजीशन को क्रॉस करके नीचे जाना चालू करेगा, ऊपर वाला फोर्स जब बढ़ जाएगा, नीचे वाला फोर्स छोटा रहेगा, एक्सेलरेशन आएगा ऊपर की तरफ और ब्लॉक का वेलोसिटी किधर है, ब्लॉक का वेलोसिटी नीचे की तरफ है, तो दिस इज़ अ केस ऑफ रिटार्डेशन। और रिटार्डेशन का मतलब है कि इस वी का वैल्यू टाइम के साथ डिक्रीज करते करते फाइनली लेवल सी पे आके इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो कभी भी ये गलती मत करना कि मेन पोजीशन पे ब्लॉक रुक जाएगा। मेन पोजीशन पे ब्लॉक नहीं रुकेगा, मेन पोजीशन पे ब्लॉक का वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। जनता, मेन पोजीशन पे एक्स का वैल्यू हमने कितना निकाला था, एम जी बाई के, मतलब स्प्रिंग कितना एक्सटेंड हो जाएगा एम जी बाई के, और यहाँ पर हमने क्या निकाला, 2mg/k। मतलब ये कौन सा डिस्टेंस था कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज 2mg/k, मतलब डबल। मेन पोजीशन में स्प्रिंग जितना एक्सटेंड होता है ब्लॉक को रुकते रुकते और उतना ही एक्सटेंड स्प्रिंग हो जाता है। दैट मीन्स टोटल एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग बाय द टाइम दिस ब्लॉक फाइनली स्टॉप्स इज इक्वल टू व्हाट, 2mg/k। ठीक है, इसको अच्छे से समझना। कुछ भी डाउट है प्लीज़ फील फ्री टू कॉमेंट, आई विल गेट बैक टू यू। ठीक है।